हेलो एवरी वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड प्रेशर तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर चार्ट दिया गया है हम अकॉर्डिंग टू एज ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे और ये सभी को पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो कितना होना चाहिए सो so, आज की वीडियो में हम वन मंथ के बेबी से लेके सिक्सटी फोर ओल्ड एज तक ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे इसमें हम मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे नॉर्मल कितना होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द विदेज टॉपिक दैट इज ब्लड प्रेशर चार्ट सबसे पहले हम बात करेंगे वन टू ट्वेल्व मंथ्स। एक से बारह महीने का जो बच्चा है उसका मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए सेवेंटी फाइव बाई फिफ्टी एम एम ऑफ एच जी एंड नॉर्मल कितना होना चाहिए नाइन्टी बाय सिक्सटी एंड मैक्सिमम होना चाहिए हंड्रेड बाई सेवेंटी फाइव ये जो ब्लड प्रेशर है ये है वन टू टू ट्वेल्व मंथ ये जो वैल्यू है वन मंथ के बच्चे से लेके एक साल के बच्चे तक की है देखिए ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है जो ऊपर वाली वैल्यूज होती हैं उसको सिस्टोलिक कहा जाता है और जो नीचे की वैल्यूज़ होती है उनको डायस्टोलिक कहा जाता है नेक्स्ट बात करते हैं वन टू फाइव ईयर्स एक से पाँच साल तक के बच्चे का जो मिनिमम ब्लड प्रेशर होता है दैट इज़ एटी बाय फिफ्टी फाइव सिस्टॉलिक जो होगा वो एट्टी होगा और जो डायस्टोलिक है दैट इज़ फिफ्टी फाइव फाइव एंड नॉर्मल वैल्यू की बात करें दैट इज़ नाइन्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव और मैक्सिमम की बात करें तो वन टेन बाई सेवेंटी नाइन ये है एक से पाँच साल तक के बच्चे का नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्स टू थर्टीन ईयर छः से तेरह साल के बच्चे का तो मिनिमम वैल्यू की बात करें दैट इज़ 90 बाई सिक्सटी नॉर्मल वैल्यू इज़ वन जीरो फाइव बाई सेवेंटी एंड मैक्सिमम वैल्यू इज वन फिफ्टीन बाई एटी नेक्स्ट आता है फोर्टीन टू नाइनटीन ईयर्स चौदह से उन्नीस साल मिनिमम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं दैट इज़ वन जीरो फाइव बाई सेवेंटी थ्री नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉर्मल वन सेवेंटीन बाई सेवेंटी सेवन और जो मैक्सिमम रहेगा दैट इज़ वन ट्वेंटी बाई एटी वन नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारे पास ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर ईयर्स मिनिमम वैल्यू रहेगी ब्लड प्रेशर की दैट इज़ वन जीरो एट बाई सेवेंटी फाइव और जो नॉर्मल वैल्यू है दैट इज़ वन ट्वेंटी बाई सेवेंटी नाइन और वन ट्वेंटी बाई एटी होता है जो नॉर्मल होता है एंड मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वन थर्टी टू बाई एटी थ्री नेक्स्ट एज ग्रुप आता है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी नाइन ईयर्स सो मिनिमम जो ब्लड प्रेशर है वो रहेगा वन जीरो नाइन बाय सेवेंटी सिक्स और नॉर्मल की बात करें दैट इज़ वन ट्वेंटी वन बाई एट्टी एम एम ऑफ एच जी एंड मैक्सिमम की बात करें दैट इज़ वन थर्टी थ्री बाई एटी फोर एंड नेक्स्ट जो एज ग्रुप है हमारे पास दैट इज़ थर्टी टू थर्टी फोर ईयर्स सो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका जो मिनिमम बी पी है ब्लड प्रेशर वो रहेगा वन टेन बाई सेवेंटी सेवन और नॉर्मल की बात करें दैट इज़ वन ट्वेंटी टू बाई एटी वन एम एम ऑफ एच जी एंड मैक्सिमम की बात करें दैट इज़ वन थर्टी फोर बाई एटी फाइव एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट एज ग्रुप है हमारे पास थर्टी फाइव टू थर्टी नाइन ईयर्स तो मिनिमम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं वो रहेगा वन 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 ट्रिपल वन बाई सेवेंटी एट और नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें वो रहेगा वन ट्वेंटी थ्री बाई एटी टू एंड मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ वन थर्टी फाइव बाई एटी सिक्स एम एम ऑफ एच ई नेक्स्ट एज ग्रुप आते हैं हमारे पास फोर्टी टू फोर्टी फोर ईयर्स सो मिनिमम वैल्यू रहेगी ब्लड प्रेशर की वन ट्वेल्व बाई सेवेंटी नाइन एंड नॉर्मल जो वैल्यू है दैट इज़ वन ट्वेंटी फाइव बाई एटी थ्री एंड जो मैक्सीम वैल्यू रहेगी दैट इज़ वन थर्टी सेवन बाई एटी सेवन एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारे पास फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन ईयर्स सो मिनिमम वैल्यू रहेगी ब्लड प्रेशर की वन फिफ्टीन बाई एटी एंड नॉर्मल वैल्यू रहेगी वन ट्वेंटी सेवन बाई एटी फोर एंड जो मैक्मम वैल्यू रहेगी दैट इज़ वन थर्टी नाइन बाई एटी एट एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट एज ग्रुप है फ़िफ्टी टू फिफ्टी फ़ोर ईयर्स देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है बी भी इंक्रीज होता है जो फिफ्टी से फिफ्टी फोर ईयर्स के जो लोग हैं उनका जो मिनिमम बी रहेगा दैट इज़ वन सिक्सटीन बाई एटी वन एंड नॉर्मल बी की बात करें दैट इज़ वन ट्वेंटी नाइन बाई एटी फाइव एंड मैक्सिमम की बात करें वन फोटी टू बाई एटी नाइन एम एम ऑफ एच नेक्स्ट एज ग्रुप आता है हमारे पास फ़िफ्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन ईयर्स तो मिनिमम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं दैट इज़ वन एटीन बाई एट्टी टू और जो नॉर्मल है दैट इज़ वन थर्टी वन बाई सिक्स एंड मैक्सिमम की बात करते हैं दैट इज़ वन फोर्टी फोर बाई नाइन्टी एम एम ऑफ एच जी नेक्स्ट एज ग्रुप आता है सिक्सटी टू सिक्सटी फोर ईयर्स तो इसमें जो मिनिमम ब्लड प्रेशर है वो रहेगा वन ट्वेंटी वन बाई थ्री एंड जो नॉर्मल बी पी है दैट इज़ वन थर्टी फोर बाई सेवन एंड मैक्सिमम इज़ वन फोर्टी सेवन बाई नाइन्टी वन एम एम ऑफ अच्छी देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है बीपी भी इंक्रीज होता रहता है यहाँ भी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है एग्जैक्ट तो नहीं मैं बोल सकती बट एक आइडिया है कि अकॉर्डिंग टू एज ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए अगर हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है या हमें कोई दिक्कत आ रही है तो हमें तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए सो दैट हम अपने बी को कंट्रोल कर सकें ब्लड प्रेशर तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर घर में पाई जाती है तो सबको ब्लड प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू कितनी है अगर बढ़ रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना है आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर खुश रहिए स्वस्थ रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग